आपने लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि एक चींटी अगर हाथी की सुंड में घुस जाए तो वह चींटी हाथी को मार भी सकती है, लेकिन ऐसा कुछ भी असल में नहीं होता है। तो चलिए आज की इस वीडियो में बात करते हैं हाथियों के बारे में, ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में जिनके बारे में शायद ही अपने पहले कभी सुना होगा। हाथी दुनिया का सबसे बड़ा एक स्तनधारी जानवर है जो कि अंडे नहीं देता है बल्कि बच्चा पैदा करता है। हाथी की औसतन उम्र 60 से 70 वर्ष होती है, लेकिन हाथी की अधिकतम उम्र 100 वर्ष से भी अधिक हो सकती है। एक हाथी अपने जीवन काल में 35 से 40 वर्षों तक बढ़ता है। पहले दुनिया में हाथियों की 3 प्रजातियों हुआ करती थी, लेकिन आज केवल 2 ही प्रजातियां बची हैं, अफ्रीकी खुले मैदानों का हाथी सवाना हाथी तथा अफ्रीकी जंगलों का हाथी और लिप्स जाति का एशियाई हाथी। एक नर हाथी 3 मीटर ऊंचा होता है। एक नर हाथी का वजन 4000 से लेकर 7500 किलोग्राम होता है। एक एशियाई या फिर भारतीय हाथी की लंबाई 2.7 मीटर तथा वजन 3000 से 6000 किलोग्राम होता है। आज से 5 करोड़ साल पहले हाथियों की 170 प्रजातियां पाई जाती थी, लेकिन आज केवल 2 ही प्रजातियां बची हैं, बाकी विलुप्त हो चुकी हैं। एक हाथी रोजाना 150 से लेकर 160 किलोग्राम तक भोजन खाता है, या फिर इतने भोजन की हाथी के शरीर को जरूरत होती है। एक हाथी अपनी सूंड में लगभग 8 लीटर तक पानी भर सकता है। हाथी के सूंड में एक भी हड्डी नहीं होती है, बल्कि इसकी सूंड में 40,000 से ज्यादा मांसपेशियां होती हैं। एक हाथी दुनिया का सबसे ज्यादा इमोशनल जानवर भी माना जाता है, क्योंकि जब उसके साथी की मौत हो जाती है तो वह खाना पानी सब छोड़ देता है और दिल टूटने की वजह से एक दिन मर जाता है। एक हाथी को झुंड में रहने की आदत होती है, इसीलिए हाथी की मानसिकता भी यही होती है कि जब उसका साथी मर जाता है तो वह बहुत ज्यादा दुखी होते हैं और जहाँ उसके साथी की मौत हुई थी उस स्थान पर जाकर विलाप करते हैं झुंड के सभी हाथी। हाथी को कमजोरी और बीमारी कभी कभार ही होती है, या फिर बोले तो बहुत ही कम होती है, क्योंकि इनका इम्यून सिस्टम काफी ज्यादा मजबूत होता है। एक हाथी दिन के करीब 4 घंटे ही सोता है। एक हाथी खड़े खड़े भी सो सकता है और ज्यादातर हाथी ऐसा करते भी है। एक हाथी एक बार में 40 गैलन से भी ज्यादा पानी पी सकता है। हाथियों को आपस में झगड़ते हुए बहुत ही काम देखा गया है, क्योंकि हाथी आपस में प्यार से एक दूसरे के साथ रहते हैं। हाथी की सूंघने की क्षमता बहुत ज्यादा तेज होती है और एक हाथी 4 से 5 किलोमीटर दूर से ही पानी की गंध को सूंघ सकता है। एक मादा हाथी का गर्भधारण काल 18 से 22 महीना का होता है। हाथी एक ऐसा जानवर है जो कि कभी कूद नहीं सकता है। पहले राजा हाथियों का उपयोग अपनी सेना में करते थे और युद्ध भी हाथियों के ऊपर बैठकर ही लड़ा करते थे और हाथियों की सूंड पर धारदार हथियार लगा दिया करते थे। हाथी चीजों को देखकर उनकी नकल करने की क्षमता काफी तेज होती है। यही वजह है कि हाथियों का उपयोग सर्कस में सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि वह चीजों को देखकर आसानी से सीख सकते हैं और उनकी नकल भी कर सकती है। एक हाथी की आंखों की रोशनी काफी कम मानी जाती है, लेकिन इसमें मजेदार बात यह है कि तेज रोशनी में हाथी को कम दिखाई देता है, वही कम रोशनी में हाथी को ज्यादा दिखाई देता है, मतलब दिन की अपेक्षा हाथी रात को अच्छा देखते हैं। आपने ये भी सुना होगा कि अगर हाथी की सूंड में एक चींटी घुस जाए तो हाथी की मौत हो जाती है, पर यह फैक्ट गलत है। हाथी की सूंड में चींटी घुसने से हाथी की मौत नहीं होती है, हालांकि हाथी की सूंड में चींटी घुसने से वह उसे इरिटेट और प्रॉब्लम में डाल सकती है, लेकिन मौत नहीं होती है। 1% मामले ही ऐसे होते हैं कि हाथी के बच्चे जुड़वा पैदा होते हैं। एक नवजात हाथी का बच्चा 83 सेंटीमीटर लंबा और 112 किलोग्राम तक वजनी होता है।
हाथी के शरीर का सबसे कोमल हिस्सा उसके कानों के पीछे का होता है, जिसे कनुले बोला जाता है। हाथी की सूंड इतनी संवेदनशील होती है कि वह फर्श पर गिरे एक छोटे से सिक्कों को भी उठा सकता है।